वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों आज हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम के बारे में आपसे डिस्कस करने आए हैं और उसका नाम है DU JAT यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। आप देख सकते हो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस DU JAT के जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनाइज होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंडक्ट होता है, जो कंडक्टिंग बॉडी है वो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इस एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कितने सीट्स हैं, क्या टॉप कॉलेजेस हैं, लास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस क्या है, आप यूं कह लें कि इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रिपरेटरी गाइडेंस के तौर पर काम करने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1922 की है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1987 में कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था BMS, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। ये उसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम बेहद सक्सेसफुल हुआ, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, और आगे चल के इस प्रोग्राम के तीन अलग अलग नाम बन गए। क्या? BMS यानी बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, दूसरा BFIA यानी BBA इन FIA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, थर्ड क्या हुआ BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल इतना हुआ कि बहुत सारी और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसने इस एग्जाम को एडॉप्ट किया और इस मॉड्यूल में लेकर के आए। और सबसे खास बात क्या होती है, किसी भी आप प्रोफेशनल कोर्स करने, जब कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप करने जाते हैं तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि आप कितने फाइनेंशियली सिक्योर हो इस कोर्स के करने के बाद, कितना सिक्योर हो और कब तक सिक्योर हो। तो BMS एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नॉ बल्कि BMS बल्कि BFIE और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी आपको कंप्लीटली सिक्योर करता है फाइनेंशियली। अब हम देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी है इस कोर्स को करने की। जहां तक एलिजिबिलिटी की मैं बात करता हूं, क्लास 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इंक्लूडिंग मैथ्स एंड इंग्लिश, यानी आपके पास क्लास 12th में मैथ्स और इंग्लिश होते हुए आप 60% स्कोर करते हैं तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, यानी मैथ्स कंपलसरी है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो चार सेक्शन होते हैं इस एग्जाम के। पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें एडवांस मैथ्स भी आता है, यानी क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो भी सिलेबस है मैं इसके साथ आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, लेकिन क्लास 12th के मैथमेटिक्स के अलावा जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब क्लास 12th के मैथमेटिक्स में पूरा आपका कैलकुलस वाला पार्ट, एलजेब्रा वाला पार्ट, ये पूरा इंक्लूड रहता है। 3D वेक्टर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स सारे के सारे इंक्लूड रहते हैं। सेकंड पार्ट में इसका आता है लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड पार्ट में इसका GK करंट अफेयर्स, बिजनेस GK भी इसमें होता है, और फोर्थ पार्ट में इसके आता है जनरल इंग्लिश ग्रामर। लेकिन ये एग्जाम प्रिडिक्टेबल नहीं होते, किसी भी एक सेक्शन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसमें कितना क्वेश्चन आएगा। वैसे 25 25 25 25 यानी 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर का पेपर होता है, +4 राइट आंसर पे, -1 नेगेटिव आंसर पे। लेकिन जो चारों सेक्शन है वो कभी कभार चेंज हो जाएगा। जैसे 2020 के जो मैंने बताया है, 2020 के पेपर में आप देखोगे कुछ अलग अलग शिफ्ट के पेपर में मैथ्स में 40-42 क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल रीजनिंग में 27-30 क्वेश्चन आए थे, GK में सिर्फ 10-15 आए थे, और इंग्लिश में 10-20 क्वेश्चन आए थे। यानी आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो कोई प्रिडिक्शन नहीं तय की जा सकती है। वैसे जो कि रिकमेंडेड है, जो वेबसाइट्स पे देखता है वो यही कहता है कि मैथ्स 25 का, लॉजिकल रीजनिंग 25 का, इंग्लिश 25 का और GK 25 का। अब आगे देखते हैं। जहां तक रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस पूरा का पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में इसके अटैच कर दूंगा कि पूरा जो क्वांट्स वाला सेक्शन है, और पूरा अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं तो उसका क्या सिलेबस है, ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सीट्स की बात करें तो 1162 सीटें पूरी की पूरी इस DU JAT के जितने भी कॉलेज हैं, टोटल 16 कॉलेजेस होते हैं इसमें आप होते हैं, यानी टोटल 1162 सीट्स इसमें होते हैं, 1162 सीट्स होते हैं। इसके ऊपर हमने पिछले भी वीडियो बना रखी हुई है, उसको भी आप यहां पर जाके देख सकते हो। फिर अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो इसमें एक स्टैंड आउट कॉलेज है, वो है शहीद सुखदेव, जो CBS था उसका नाम चेंज करके किया गया शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। दूसरे नंबर पे आप इसमें रख सकते हो केशव महाविद्यालय को, तीसरे पे हम रखते हैं दीनदयाल उपाध्याय को, चौथे पे रखते हैं गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को, और फिफ्थ पे रखते हैं गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज को। इसके अलावा और भी इसमें कॉलेज हैं, जैसे शहीद राजगुरु है, और आर्यभट्टा है, शिवाजी हैं, और भी कॉलेज हैं, लेकिन टॉप 5 के जो कॉलेजेस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी 16 कॉलेज हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है,
लास्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन एनालिसिस की बात करते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस जानने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। जो एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो उसके स्कोर का 60% काउंट किया जाता है और क्लास 12th के एग्जाम का 35% काउंट किया जाता है और उन दोनों का एवरेज निकाल के आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो जितनी वैल्यू आपके इंटेंस टेस्ट की है उतनी ही वैल्यू आपके क्लास 12th के मार्क्स की है, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। यहां कम है तो यहां एफर्ट ज्यादा होना पड़ता है और अगर यहां ज्यादा है तो भी आपको यहां एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। अब अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 19,837 बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए। लेकिन इस एग्जाम की अगर खास बात क्या होगी कि आप ये मान के चलो कि 2-3 हजार बच्चा तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म भर देता है जिसको इंटरेस्ट नहीं होता, और जो 50% से ऊपर स्कोर करने वाला बच्चा मिलेगा वो आपको कहीं 8,000 मिलेगा कि 8,000 बच्चा वो होता है जो सीरियस होता है। लेकिन इन एक्चुअल अगर मैं बात करूं कि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली ही कट ऑफ में शहीद सुखदेव जिनको मिल जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको पहली ही कट ऑफ में शहीद सुखदेव मिल जाए तो यू हैव टू बी अंडर 100 और 150, या आप एट मैक्स कह सकते हो कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 200 रैंक तक आते हो, जितनी सीटें नहीं होती शहीद सुखदेव में, लेकिन अगर 200 तक आते हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि पहले कट ऑफ में 100 और 150 में तो आप श्योर हो कि आ जाओगे, 200 तक आप दूसरे तीसरे कट ऑफ तक आपको शहीद सुखदेव में नहीं बीएमएस तो बीएफआईए में जगह मिल ही जाता है। तो क्या कितना परसेंटेज आप सिक्योर करोगे कि ये आपको इतना रैंक मिल जाए। तो देखो ऐसा होता है कि आप क्लास 12th में अगर आपने 92-95 स्कोर किया हुआ है, चूंकि ये जो एग्जाम होता है इसमें परसेंटाइल बेसिस पे होता है, शिफ्ट अलग अलग होते हैं तो उसकी परसेंटाइल भी इसमें मैटर करता है। तो आपको अगर मैं बात करूं एग्रीगेट के कितना स्कोर करना है इस एंट्रेंस में, तो शहीद सुखदेव के फर्स्ट कट ऑफ में आने के लिए अगर यहां आपका 92-95 है तो इसमें आप 72-75% स्कोर करते हो, इसका मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 282 लगभग 300 क्वेश्चंस अगर आपके स्कोर मार्क्स होते हैं ये आपके कि इतने मार्क्स हैं आपके तो आपका सही हो जाएगा। यानी 70 से 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं और 282-300 स्कोर आप कर पाते हो तो आप ये श्योर हो सकते हो कि पहली ही कट ऑफ में आपका सिलेक्शन शहीद सुखदेव में जैसे कॉलेज में हो जाएगा। और लास्ट ईयर हमें टाइम बहुत मिल गया था, लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ था लेकिन हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, तो हमने अपने बच्चों को मैथ्स का और लॉजिकल रीजनिंग का हायर लेवल मैथ्स भी करवाया था, इवन जेई मेंस के भी क्वेश्चंस कराए थे। यही रीजन था कि शहीद सुखदेव में हमारे 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो अगर आपको लगता है कि आपको शहीद सुखदेव के लिए ट्राई करना है या डीयू जैट के लिए ट्राई करना है तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा बैच, चाहे 1 ईयर 2 ईयर या क्रैश कोर्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।